नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिक फार्मिंग जूलना नरुखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, कल हमारी गाड़ी गई हुई थी पंजाब से कुछ गिल्ट और बोर लेने के लिए। रास्ते में एक मिस हैपनिंग हो गई। सभी फार्म भाइयों को एक संदेश देने के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। दोस्तों, आजकल लूटपाट का बड़ा गलत सिस्टम चला हुआ है। जो निठल्ले आदमी हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता, जो समाज से बाहर के व्यक्ति हैं, वो लूटपाट करते हैं, ठगी करते हैं। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी समस्या आ सकती है। इस चीज़ों से सावधानी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल हमारी गाड़ी जो माल लेने के लिए गई थी, गिल्ट्स और बोर लेने के लिए गई थी, उसके अंदर हमारे दो जो टीम मेंबर्स हैं हमारे फार्म के, वो भी साथ में गए हुए थे। और ये ड्राइवर भाई है, ये गाड़ी को लेके गए हुए थे। उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये खुद आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी गाड़ी हुई है, सबसे पहले एनिमल्स टेस्ट में है, उनको उतार देते हैं, आपको उनकी पूरी जानकारी देते हैं। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम इनको वहाँ पे आई, आपको किस तरह से आगे सावधानियाँ बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि नया फार्मर को अगर इस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या कोई भी फार्मर हो तो उसको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जान का नुकसान हो सकता है, माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे किस तरह की समस्याओं का कल हमें सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले गाड़ी को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद सबसे पहले एनिमल्स को उतार देते हैं ताकि एनिमल्स का स्ट्रेस थोड़ा कम हो सके। उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह की समस्याओं का सामना हमें कल करना पड़ा। वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जो भी आपका व्हीकल एनिमल लेने के लिए गया हुआ है, उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। कोशिश करें फार्म के बाहर ही आप प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद आपके फार्म पर चूना वगैरह गिरा हुआ होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट गिरा हुआ होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को दिखाइए आप। कैल्शियम कार्बोनेट आपके जितने भी एंट्री पॉइंट है, अगर सब पर गिरा होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जो तलवे के साथ चिपक के आपके जम्स कैरी होते हैं, आपके फार्म पर एंटर कर सकते हैं, उनको चूना उसी समय ख़त्म कर देता है और आपके फार्म की बायोसिक्योरिटी बनी रहती है। तो अपने फार्म पर किसी भी तरह का व्हीकल अंदर जाने से पहले, चाहे वो फीड का हो चाहे वो एनिमल का हो, उसको आप बायोसिक्योरिटी जरूर कर ले, उसको आप स्प्रे जरूर कर ले, ताकि किसी भी तरह का जम्स आपके फार्म पर एंटर ना करे। अब एनिमल्स को अनलोड करेंगे, 10 या 20 मिनट टेम्पो को खड़ा रखेंगे, उसके बाद फार्म में इसकी एंट्री कराएंगे और एनिमल्स को अनलोड करेंगे। उसके बाद जो समस्या कल हुई उससे रूबरू आपको कराएंगे, ताकि किसी भी फार्म भाई को भविष्य में थोड़ा सावधानी बरते और किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, सैनिटाइजेशन के बाद एनिमल्स को अनलोड करने का कार्य शुरू हो चुका है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आज हम जो एनिमल लेके आए हैं उनके अंदर आप वीडियो में देख पा रहे हैं वर्कशायर, F1 ड्यूरोक और हैम्पशायर का एनिमल आपको दिखाई देंगे। इसमें गिल्ट और एक बोर शामिल है, आप देख पा रहे हो। दोस्तों, आपके फार्म पर एक रैंप का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अनलोडिंग के समय कई बार जानवर स्ट्रेस में होता है, आपके टेम्पो से या जिस भी चीज़ में आपने ट्रैवल कराया उसमें से बाहर कूद सकता है, उसके पैरों में चोट लग सकती है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल हो गिर सकती है, वो अबॉर्ट कर सकती है। तो अगर आपके फार्म पे अगर एक अच्छा रैंप होगा तो आपके एनिमल बिल्कुल इजीली नीचे उतर जाएंगे। आप देख पा रहे हो किस तरह से आराम से एनिमल अपने बाड़े की तरफ एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी सारे एनिमलों को एक बाड़े में ले जाएगा, उसके बाद जो इसके अंदर मेल है उसको अलग कर दिया जाएगा। इस तरह से सारे एनिमल सेफली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों, एनिमल्स को अनलोड कर दिया है, सभी एनिमल्स हेल्थी है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी किसी भी एनिमल को नहीं है, उनको उनके बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, जो कल हमारे साथ परेशानी आई, जो हमारे टीम मेंबर्स एनिमल्स लेने के लिए गए हुए थे, ये जो ड्राइवर साहब है ये साथ में गए हुए थे, इनको किस तरह की वहाँ पर परेशानी आई, हम इन्हीं के द्वारा आपको बताएंगे कि क्या क्या परेशानी इनको झेलनी पड़ी रास्ते में। पहले तो डिम्पल जी, आप बताइए क्या परेशानी आपको रास्ते में आई। हम जी कल एनिमल लेने गए हुए थे पंजाब जी, तो वहाँ पे लुधियाना में जी फ्लाईओवर के ऊपर से हमारे पीछे दो बाइक लगी हैं जी। अच्छा। और उनकी दोनों की नंबर प्लेट नहीं थी जी। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रुकवाने के बाद बोले कि आप एक्सीडेंट करके हमारी गाड़ी गए, बल्कि जिसमें हम अपनी नॉर्मल 60 से 65 की स्पीड में चल रहे थे जी। ठीक है, तो उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की है ड्राइवर के साथ जी, और फिर उन्होंने पैसे मांगे हैं और ड्राइवर से 2,000 रुपये छीन लिए जी। मोबाइल वगैरह भी छीनने की कोशिश की थी, और पुलिस को फोन ही नहीं करने दिया जी उन्होंने जी। कोई हथियार भी वो अपने साथ ले रहे थे, उनके पास जो ये अपना चावल की कुंडी नहीं होती, चावल वगैरह उठाने पल्लेदार वाली कुंडी भी वे थी उनके पास, इसलिए हमने अपना यही सोचा कि पैसे दे के अपनी जान छुड़ाई जाए। ड्राइवर को मारे
ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, ड्राइवर के साथ मारपीट हो जी, थप्पड़ मारे ड्राइवर को, कुंडी भी मारी बेचारे के गोड्डे पे भी, पांव पे भी, और पैसे खींच लिए। आप अपना नाम बताएं। नरेश गौतम। तो आपके साथ मारपीट हुई, आपके पैसे वैसे छीन के ले गए ये साथ में थे दोनों लड़के जी, बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने जी, दो फिर लोकल वहाँ के कोई आ गए थे अच्छे बेचारे सज्जन कोई जी, उन्होंने हमारी हेल्प की, उनको थोड़ा समझाया भाई ऐसे ना करो, तुम्हारे को तुम्हारी स्कूटी गाड़ी जो भी है अभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये पुरानी तुम्हारी है जी, और ये तुम झूठ बोल रहे हो, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे जी। तब वो कह रहे नहीं नहीं पुलिस को फ़ोन करना जरूरी है, इसका इलाज कराओ, ये नकली ऐसे हाथ पकड़ के मेरे हाथ में चोट लगी है दिखाया जा रहा है जी। फिर वो बोले भी चलो जो है, फिर हम 1000 पे दोनों पे थे, हमने निकाल के दिए, पिक्चर छुटाया। तो आप लोगों ने उनका कोई फोटो खींचा या उनका पीछा किया? ना कुछ भी टाइम नहीं मिला, चाबी उन्होंने निकाल के उधर फेंक दी ग्रिल के परली तरफ, चाबी वगैरह दूर फेंक दी। हाँ जी, दूसरी सड़क पे, तब तक मैं लेके आए वो भाग गए जी, और नंबर उनके प्लेट थी नहीं कुछ भी। चलो, फोन को तो वो छीनने की कोशिश कर रहे थे, हम यूज ही नहीं कर पा रहे थे। पहले ये समस्या आती थी जी, जैसे कि यूपी में जाते थे तो वहाँ का पता लगता था कि वहाँ पे गाड़ियाँ छीन, गाड़ियों के साथ लूटपाट होती है, ये होता है, पर अब तो पंजाब के अंदर सरेआम, और 9 की बात है, पंजाब के अंदर सरेआम लूटपाट हो रही है जी अब तो जी। फारूक भाइयों, दोस्तों ये हरकतें कहीं भी हो सकती हैं, समाज के अंदर जो असामाजिक तत्व है, जो इस तरह के घृणित कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अपना कोई काम नहीं करना चाहते, अपनी कोई मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरे की कमाई पे नज़र रखते हैं, ऐसी हरकतें किसी के साथ भी हो सकती है। हो सकता है आप कहीं से भी आ जा रहे हो, कहीं पे एनिमल लेने जा रहे हो, अगर इसी ऐसी पोजीशन में अगर इनके पास एनिमल होते तो हो सकता आपको और भी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाए। तो फारूक भाइयों से मैं ये अपील करूँगा, जहाँ से भी आप एनिमल लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, कम से कम 2 गाड़ियाँ कैरी करें, जिस गाड़ी में आपके एनिमल जा रहे हैं उसके पीछे अपनी गाड़ी को जरूर रखें, ताकि किसी भी गलत पोजिशन के अंदर, किसी भी गलत समय में आप उनकी हेल्प कर सकें, और किसी ऐसी किसी भी समस्या में कोई भी फार्मर भाई ना फंसे। दोस्तों अपना ध्यान रखें, एनिमल्स का ध्यान रखें, ट्रांसपोर्टेशन में अपना ध्यान रखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। आगे हो सकता है और किसी भाई के साथ आ जाए, यूपी में आ सकती है, बिहार में आ सकती है, पंजाब में आ सकती है, हरियाणा में आ सकती है, और क्या पता कि कौन से फार्म भाई का कितना बड़ा नुकसान हो जाए। तो ध्यान रखें, ट्रांसपोर्ट करते वक्त अपनी गाड़ियों के साथ अपनी सुरक्षा का सम्मान भी कैरी करें, किसी के से लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे या और कोई करे, तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन करें, पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दे और कानून के हिसाब से अपने सारे कार्य करें। तो दोस्तों मैं चाहूँगा और भी फार्म भाई के पास ये वीडियो आप पहुँचाए, ताकि सभी फार्म भाई ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त सावधान रहे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार आपके पास पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।